भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस रही आकांक्षा दुबे की मौत के केस में पुलिस ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे की लाश मिलने के एक दिन बाद मामले के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सोमवार को मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दर्ज केस में दो आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े समर सिंह और दूसरा नाम उनके भाई संजय सिंह का है। पुलिस के मुताबिक मृतक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, इंस्टाग्राम पर उनके कुछ वीडियोस भी मिले हैं जिनमें वो परेशान नजर आ रही हैं और वो रोते हुए दिखाई दे रही हैं। बता दें, 25 वर्षीय एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी में थी और सारनाथ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक होटल में रुकी हुई थी। और जब उनका मेकअप आर्टिस्ट होटल के कमरे में पहुंचा तो उसने कमरे में आकांक्षा दुबे को फांसी पर लटका पाया। मेकअप आर्टिस्ट राहुल ने बताया, मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाथरूम में पानी चलने की आवाज सुनी तो मैंने 25 मिनट तक इंतजार किया लेकिन जब उसके बाद भी दरवाजा नहीं खोला तो मैंने होटल स्टाफ को फोन किया। इसके बाद जब दरवाजा खुला तो उन्हें लटका हुआ पाया। उन्होंने कहा कि वो आकांक्षा के साथ पिछले 2.5 साल से काम कर रहे थे। दोनों एक ही शहर भदोही से थे। बता दें, आकांक्षा ने भोजपुरी म्यूजिक एल्बम और फिल्मों में काम किया था। आकांक्षा के इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उनके रील वीडियो काफी लोकप्रिय थे। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।